टीवी, मोबाइल या बिजली के किसी भी सामान पर आप ऑन ऑफ के बटन को देखकर बड़ी आसानी से पहचान जाते हैं कि वो कौन सा बटन है। आपने कभी गौर किया है तो आपने देखा होगा कि लगभग सारे गैजेट में पावर बटन साइन एक जैसा होता है, लेकिन क्या आप इस साइन का मतलब जानते हैं? दरअसल जब गैजेट बनने स्टार्ट हुए तो ये दुनिया के हर कोने में पहुंचने लगे। ऐसे में इसे जुड़े बटनों को यूनिवर्सल बनाना जरूरी था, जिससे हर जगह इसके इस्तेमाल में लोगों को सोचना ना पड़े आखिर वो चलेगा कैसे। इसके लिए पहले ऑन ऑफ लिखा होता था, लेकिन बाद में एक यूनिवर्सल साइन बनाने का फैसला किया गया। इसके लिए बाइनरी नंबर सिस्टम के 1 को ऑन का साइन बनाया गया और 0 को ऑफ का साइन बना दिया गया। लेकिन ये तो स्विच और बटनों के लिए था, जिसमें ऊपर नीचे करने का ऑप्शन था। लेकिन उनके साथ क्या होगा जिसमें ऊपर नीचे करने का ऑप्शन ही ना हो, यानी वो बटन जो एक बार दबाने पर ऑन हो और 2 बार दबाने पर ऑफ। इन बटनों को ध्यान में रखकर ही इन 2 अंकों को साथ में जोड़ दिया गया। 0 और 1 से एक डिजाइन बनाया गया। डिजाइन में एक डंडी बन गई और उसके नीचे आधा गोला बन गया। इस तरह पावर बटन को ईजाद किया गया। अब ये बटन यूनिवर्सल बना है। फैक्ट नंबर 4, इस समय पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही है, वहीं दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से एनवायरनमेंट पर भी इसका असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से हम लोग ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में हर देश इलेक्ट्रिक कारों की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इन कारों की सबसे बड़ी दिक्कत चार्जिंग को लेकर है। और इन्हीं चीजों को देखते हुए एक स्टार्टअप कंपनी ने एक कार तैयार की है, जिसे एक बार फुल चार्ज करने पर उससे 7 महीने तक चलाया जा सकता है। लेकिन ये मुमकिन कैसे है? दरअसल ये एक सोलर कार है जिसका नाम लाइटियर 0 है। ये दुनिया की सोलर कार है। बता दे कि अगर आप डेली 35 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तो ये 7 महीने तक चलेगी। फैक्ट नंबर 3, बहुत से लोग जानते हैं कि फोर्ड मोटर दुनिया की सबसे ज्यादा बनाई जाने वाली और सबसे ज्यादा सस्ती कार थी, लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते कि मर्सिडीज बेंज कार को बनाने वाले कार्ल बेंज थे, जिन्होंने पहली बार काम करने वाली कार बनाई थी, जिसे पेटेंट मोटर वाहन मॉडल 3 का नाम दिया गया था। इस कार के 4 पहिए नहीं बल्कि 3 पहिए थे और इस कार को सबसे पहले चलाने वाली एक औरत थी। कार्ल बेंज की पत्नी बर्था बेंज ने उनसे बिना पूछे उनकी कार 106 किलोमीटर तक चलाई। दरअसल कार्ल की कार पहले नहीं चली, जिसके बाद उनकी पत्नी ने ये आइडिया लगाया कि इसको हमें यूज करके दिखाना होगा, तभी लोग इसे लेने का सोचेंगे, जिसके बाद उन्होंने इसे खुद चलाया था। फैक्ट नंबर 2, कैसा होगा अगर हमें कोई खाने का स्वाद ही ना आए? साइंस के लैंग्वेज में इसे एक बीमारी माना जाता है। ऐसी एक बीमारी हो गई है मच्छरों को। आपको जानकर हैरानी होगी कि मच्छर खून का स्वाद भूलते जा रहे हैं। दरअसल एक नई स्टडी में ये बात सामने आई है कि नींद की कमी से सिर्फ इंसान ही परेशान नहीं, अन्य कीड़े मकोड़े भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं। नींद की कमी से जूझ रहे मच्छरों के स्वाद में की गई स्टडी जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी में छपी है। एक रिपोर्ट में ये कहा गया कि मच्छर खून पीने और नींद में से सोना पसंद करते हैं। इसके साथ ही ये बात भी सामने आई कि मच्छर अब दिन में भी ऐसी बीमारी फैला रहे हैं जो रात को फैलाते थे, यानी उनके सोने और जगने का टाइम टेबल बिगड़ चुका है। फैक्ट नंबर 1, आजकल लोगों में डायबिटीज, ब्लड क्लोटिंग जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ता रहता है। बता दे कि हर 500 में से एक पुरुष में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होते हैं जो गंभीर बीमारियों की वजह से बनते हैं। लेकिन ऐसा होता कैसे? ब्रिटेन में हुई एक स्टडी में पता चला। और बता दे कि नॉर्मल पुरुषों में एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होते हैं और ऐसे पुरुषों के बीमार होने का खतरा कम होता है। जैसे नए क्रोमोसोम जुड़ने के बाद ये XXY या XYY हो सकता है। रिसर्च कहती है कि नए क्रोमोसोम जुड़ने के बाद डायबिटीज और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ता रहता है। लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।